Shyam Manjapatwa studying in Sunday Day. Today I have prepared a new video which is on the Space Encyclopedia of Planets, and we are going through the topic Jupiter. This is the part 2 of this particular topic, and in this we are going to see about the location and movement of the Jupiter. Matlab ye jo hai hamara part 2 hai ye particular topic, aur aaj hum is particular lecture mein means is particular video mein hum padhenge location aur movement. इधर तीन पॉइंट्स है हमारे पास, फास्टेस्ट रोटेशन, मैग्नेटोस्फीयर, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटो डिस्क. तो चलिए इसका प्रीफेस के बारे में जान लेते हैं. क्या लिखा है इधर, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड सन इज 778 किलोमीटर. द एप्टिकल ऑर्बिट ऑफ जुपिटर इज इंक्लाइंड 1.31 डिग्रीज कंपेयर्ड टू द अर्थ. द अर्थ डू नॉट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट सीजनल चेंजेस. द मास ऑफ द पर्टी ऑफ द जुपिटर इज 1898. अब इसका मतलब क्या इंदर दिया हुआ है कि ये जो जुपिटर है इसका और सन का जो डिस्टेंस है हमारे सोलर सिस्टम में वो है 778 मिलियन किलोमीटर. और फिर ये जो है इसका एप्टिकल क्या उसको बोलते हैं, क्या लिखा है इधर, एप्टिकल ऑर्बिट है जो कि 1.31 डिग्रीज है. अब एप्टिकल ऑर्बिट यानी क्या, आप लोग सोचते होंगे कि ये जो सन है मींस जो जुपिटर है उसका जो ऑर्बिट है यानी जिस पे वो गोल गोल घूमता है वो सर्कल शेप में है, पर वो सर्कल शेप में नहीं बल्कि अंडाकार में यानी थोड़ा एप्टिकल है. तो ये जो है ये तो एप्टिकल है और ये जो है इंक्लाइंड है. इंक्लाइंड मतलब जब ये घूमता है तो इसे इंक्लाइंड बोलते हैं. तो ये इंक्लाइंड है 1.31 डिग्री अर्थ से ज्यादा, मीन्स अर्थ का समझो 78 हुआ ना, तो ये जो जुपिटर होगा उसका होगा 79.1, ठीक है ना. और फिर इधर ये भी बताया गया है कि ये जो है जुपिटर इसके अंदर ज्यादा सीजनल चेंज, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही जो है इंडिया में या सॉरी इंडिया में आप बोल सकते हो, इंडिया में जैसे ही मार्च जाता है वैसे ही गर्मी चालू हो जाती है, ठीक है ना. तो ये जो सीजनल चेंज तुरंत हो जाता है ये जुपिटर में बिल्कुल भी नहीं होता है. उसमें मतलब थोड़ा देर लगता है, समझो मार्च में गर्मी चालू होगी ना उधर, तो उधर मार्च में नहीं होगी, उधर अप्रैल में चालू होगी या तो मई में चालू होगी. ऐसा बहुत धीरे धीरे होता है. और उसका जो मास है यानी उसका जो वजन है वो है 1898, ठीक है ना. तो अभी चलिए इसका फर्स्ट टॉपिक जो है यानी फास्टेस्ट रोटेशन ये देख लेते हैं. अब फास्टेस्ट रोटेशन मतलब क्या कि सबसे तेज रोटेशन, रोटेशन यानी उसका इस ऑर्बिट पे गोल 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 घूमना, ठीक है ना. इधर क्या दिया हुआ है, जुपिटर्स रोटेशन इज द फास्टेस्ट अमंगस्ट ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. इट कंप्लीट्स द रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन अ लिटिल लेस देन 10 hours, क्रिएटिंग एन इक्वेटोरियल बल्क इजीली सीन थ्रू एन अमेच्योर टेलीस्कोप. अब इसका मतलब क्या कि ये जो जुपिटर है ये सबसे तेज मींस पूरे सोलर सिस्टम में सबसे तेज ये रोटेशन करता है, ठीक है ना. गोल 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 बहुत तेज घूमता है. अभी देखिए जो हमारा अर्थ है उसको एक रोटेशन लेने के लिए कितना लगता है, कितना देर लगता है उसको, प्रॉपर 24 घंटे लगते हैं यानी एक दिन और एक रात. लेकिन यही जो मैग्नेट ये जो है हमारा जुपिटर इसको कितना लगता है देर, सिर्फ 10 hours, ठीक है ना, 10 घंटा, मीन्स हमारे अर्थ का आधे से भी कम, ठीक है ना. तो ये जो इसको 10 घंटे लगते हैं वो ऐसे घूमने को लगते हैं, मीन्स वो इतना तेज घूमता है, ठीक है ना. और ऊपर से इसका अर्थ से ऑर्बिट बड़ा है क्योंकि अर्थ के बाद में मार्स आता है फिर जुपिटर आता है, तो भी वो 10 घंटे में कंप्लीट कर देता है. तो चलिए इसका दूसरा टॉपिक जो है देख लेते हैं, जो कि है मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है ना. क्या दिया है इधर, जुपिटर्स मैग्नेटिक फील्ड इज 14 टाइम एज स्ट्रॉन्ग एज अर्थ, रेंजिंग फ्रॉम 0.42 मेट्रिक टन एट द इक्वेटर. ओके, तो अभी इधर क्या दिया है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो है मींस ये जो जुपिटर है इसका मैग्नेटोस्फीयर जो है वो अर्थ से 14 गुना मींस जो इसका हमारे अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर होगा ना वो 14 टाइम्स जो होगा ज्यादा होगा हमारे अर्थ से, ठीक है ना. तो ये जो है इसका जो वो रहेगा मैग्नेटोस्फीयर वो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर, समझो अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर है एक्स, ठीक है ना. तो इसका देखने जाएंगे तो क्या होगा, एक्स इंटू 14 यानी 14 गुना ऑफ एक्स, ठीक है ना. तो अभी जो हमारा लास्ट पॉइंट मतलब नॉट लास्ट बट द थर्ड पॉइंट जो कि है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटो डिस्क, इसके अंदर क्या दिए वो देख लेते हैं जल्दी से. इधर क्या दिया है, द गैस इन आयन साइज द मैग्नेटोस्फीयर प्रोड्यूसेस सल्फर एंड ऑक्सीजन आयन्स टुगेदर विद हाइड्रोजन आयन्स, दिस फॉर्म्स अ प्लाज्मा शीट ऑफ जुपिटर्स इक्वेटोरियल प्लेन
The plasma in these states rotates along with its planet, deforming the dipole's magnetic field into the magneto disk. अब इसका मतलब क्या कि देखो सॉरी तो ये जो जुपिटर है, जुपिटर का जो है उसके अंदर ना ज्यादातर उसके मैग्नेटोस्फीयर में सबसे ज्यादातर जो है क्या दिया हुआ है कि ये जो इसके अंदर है ज्यादातर हाइड्रोजन आयंस दिए हुए हैं, जिसके कारण जो है सल्फर आयंस और ऑक्सीजन आयंस प्रिपेयर होता है, जिसकी वजह से रस्ट हो जाता है। और आपने कभी जुपिटर का फोटो देखा होगा तो वो एकदम ही रस्टर्ड रहता है। मीन्स कई कई जगहों पे समझो ऐसा है ना, तो उसके अंदर ये रेड होगा तो ये ब्राउन ऐसे होगा ना, तो ये जो रेड कलर होता है मीन्स ये भी रस्टी है, ठीक है ना। इसके कारण कई बार रस्ट हो जाता है ये आयंस के कारण, ठीक है ना। तो अभी आगे इसके अंदर ये भी दिया हुआ है कि ये जो हाइड्रोजन आयंस होता है इसके कारण जो है ऑर्बिटल शीट पे जो है वो हो जाता है, मीन्स ऑर्बिटल शीट जो उसका रहता है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन की शीट जम जाती है, ठीक है ना। तो इधर जो है हमारा थर्ड पॉइंट जो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटो डिस्क है वो खत्म होता है, ठीक है ना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट दिस वीडियो, और प्लीज इसे ज्यादातर फॉलो करें और शेयर करें। और आपको अगर साइंस फैक्ट्स के बारे में जानना है तो हमारे इंस्टा IDSeven और science_facts777 को जरूर फॉलो करें, उसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।